अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सऊदी अरामको के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे प्रोसीजर्स पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, तो ये उसी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। जब हम सऊदी अरामको के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो एक चीज़ सामने आती है, सी एस एम है क्या, सी एस एम को इंट्रोड्यूस किसने किया, सी एस एम को इंट्रोड्यूस कब किया गया और इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करूँगा। क्योंकि अक्सर जब आप लोग सऊदी अरामको के कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ सी एस एम, हाउ मेनी वॉल्यूम इन द सी एस एम, तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको कम अज़ कम बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो जाएगी कि सी एस एम है क्या, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सी एस एम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो सी एस एम का फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया सऊदी अरामको का एक डिपार्टमेंट है, लास्ट प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, उसने 1974 में इसका फर्स्ट एडिशन इंट्रोड्यूस करवाया। एंड उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें चेंजिंग आती गई और रिवाइज होता गया। अभी जो रिसेंटली जो वैलिड वर्जन है, एडिशन है, वो फिफ्थ एडिशन है। एंड सी एस एम की इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो सी एस एम को टू पार्ट्स में, टू वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। वॉल्यूम वन जो है वो है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, एंड वॉल्यूम टू जो है वो है वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल। अभी अगर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो उसमें टोटल 11 टॉपिक हैं, एंड अगर वॉल्यूम टू की बात करते हैं वर्क साइट सेफ्टी मैनुअल की, तो उसको मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और पार्ट वन जो है वो है जनरल सेफ्टी का, जनरल सेफ्टी में परमिट टू वर्क सिस्टम, कन्फाइंड स्पेस, फायर प्रिवेंशंस, ट्रैफिक सेफ्टी, ये कुछ टॉपिक हैं जो उसमें कवर किए गए हैं। टोटल जो टॉपिक हैं पार्ट वन के वो हैं 13। एंड पार्ट टू को अगर देखा जाए तो उसको सिविल का नाम दिया गया है, एंड सिविल में एक्सक्विशन, स्कैफोल्डिंग, फॉल प्रोटेक्शंस, ये कुछ टॉपिक हैं उसमें कवर किए गए हैं, और उसके टोटल टॉपिक जो हैं वो हैं 14। अगर पार्ट थ्री की बात करें तो वो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, तो उसको उसमें जो मेन मेन टॉपिक हैं वो है लिफ्टिंग सेफ्टी का, हैवी इक्विपमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, प्रेशर टेस्टिंग का, ये कुछ टॉपिक हैं जो पार्ट थ्री में कवर किए गए हैं, और उसके टोटल टॉपिक जो हैं वो हैं 8। एंड जो फोर्थ पार्ट है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशंस का, और उसका जो मेन टॉपिक हैं वो एविएशन सेफ्टी एंड एज वेल एज ड्रिलिंग एंड वेल सर्विसेज। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी सीएसएम से रिलेटेड, होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा। एंड आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपकी सजेशन है कि मैं कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को या इस मैसेज को इजीली कन्वे कर सकता हूँ आपके साथ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िएगा, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के जो सजेशन होंगे, जो आप लोगों की रिकमेंडेशंस होंगी, उन पे मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच।